नमस्ते, आप सबका स्वागत है इस सेशन में। और ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासतौर से डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि आप कॉम्पिटिटर से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब आप कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर रहे हैं, सवाल है कि आप किन चीज़ों पर आप रिसर्च करने वाले हैं। और कॉम्पिटिटिव रिसर्च करने से पहले एक माइंडसेट पे काम करना होगा आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले माइंडसेट एक बार समझ लेते हैं, ताकि आप इस कोर्स से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ये कोर्स के साथ साथ आप प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें। तो एक बार समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आप किन बेहतरीन तरीकों से आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब सवाल है कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एग्जैक्टली करना क्यों है, और किन तरीकों से किया जा सकता है, और उससे कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है। सो अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, या फिर अगर आप बिजनेस ओनर हैं, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। फाइन, समझते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं करीबन करीब 15 साल से डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ, और जो भी क्लाइंट्स के साथ हम काम करते हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हमको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। पहले माइंडसेट की बात कर लेते हैं कि क्या माइंडसेट है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते समय, और इस कोर्स को जाते हुए, कोर्स को पढ़ते हुए किन माइंडसेट का जरूरत है, थोड़ा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड भी दिखाता हूँ, बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा। और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको पढ़ना होगा। सो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, पहले कॉम्पिटिटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। सो नंबर वन माइंडसेट, अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो, सो नंबर वन माइंडसेट इज To find opportunity. So, इस कोर्स में दिए हुए जो भी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, आप ये पक्का कर लें कि आपका माइंडसेट ये सेट होना चाहिए कि पढ़ने के बाद यू शुड बी एबल टू फाइंड अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा। सो नंबर वन इज अपॉर्चुनिटी, सो विच इज इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। एंड नंबर टू, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हाउ यू गोना कन्वर्ट अपॉर्चुनिटी इनटू एन एक्शन प्लान, है ना। तो मैं आपको तरीके बताऊंगा, और हम हमेशा ये सोचेंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और हम इसको कैसे, किस तरीके से रियल टाइम पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेकंड पार्ट आप समझना, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग, ध्यान रखिएगा, विच इज अपॉर्चुनिटी, एंड देन इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग इट एक्शन प्लान। मैं आपको बिल्कुल आइडिया दूंगा कि अपॉर्चुनिटी और एक्शन प्लान के बारे में क्या कह रहा हूँ। एक और तीसरा माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज पॉइंट नंबर थ्री इज लव योर कॉम्पिटिटर्स। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका कॉम्पिटिटर कमाल का काम कर रहा है, वो फेसबुक एड चला रहे हैं, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अच्छा काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला रहे हैं, नेटिव एड्स चला रहे हैं, फेसबुक बॉट्स पे अगर काम कर रहे हैं, या फिर लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर को प्यार करना जरूरी होगा। क्योंकि वो अगर अच्छा कर रहा है, तो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल वो अच्छा कर रहा है, और हमको जानना होगा कि वो क्या चीज़ अच्छा कर रहा है। सो हमको उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा कि अगर इससे इसको फ़ायदा हो रहा है, तो हम अपने बिजनेस में इसको कैसे तब्दील कर सकते हैं। सो विच इज इंपॉर्टेंट। सो तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटर्स को प्यार करना होगा आपको, सो लेट्स फॉल इन लव विथ कॉम्पिटिटर्स। नंबर टू, अपॉर्चुनिटी माइंडसेट के साथ आपको बैठना पड़ेगा। इसका मतलब दिए हुए जो भी सेशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो भी तरीकों के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको पक्का करना पड़ेगा कि आप उसको समझे, एंड देन एक्शन प्लान में उसको तब्दील कर दें। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपको, जब हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, उसके साथ साथ जब हम एक्शन प्लान की बात करेंगे, बिकॉज आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज एन इल्यूजन। सो ऐसा कहा जाता है कि आपके पास कमाल का आइडिया है, बट वो आइडिया को अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, तो फिर उस आइडिया का मतलब क्या है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट आइडिएशन, जो भी चीज़ आइडिया है, उसको आप एग्जीक्यूट करें। और जब आप एक्शन प्लान में जब आप लेके जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। We'll talk about that resources, कि क्या क्या रिसोर्स के बारे में जान आपको जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और वो रिसोर्सेज के लाने के साथ साथ कॉस्टिंग, सो एक कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व होगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। और मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को आप एग्जीक्यूट कर सकें। सो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अपने कंप्यूटर से आपको प्यार करना है, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और तीसरा उस अपॉर्चुनिटी को एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा कि तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं, है ना। इसके साथ साथ हम मेजरमेंट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, ये है क्या। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव रिसर्च
हमको क्यों करना है और कॉम्पिटेटिव रिसर्च करके हमको क्या फायदा हो सकता है, और जब मैं कॉम्पिटेटिव रिसर्च बोलता हूं तो एग्जैक्टली मुझे क्या करना होगा। सो मैं यहां पर लिखता हूं कॉम्पिटेटिव रिसर्च सो कॉम्पिटेटिव रिसर्च सवाल है क्या करना है आपको, है ना। सो समझते हैं, सो कॉम्पिटेटिव रिसर्च में सबसे पहले काफी सारी चीजें जो हमको जाननी है, काफी सारी चीजें। सो ये एक बड़ा टॉपिक है बट मैं काफी कमाल के पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। सो कॉम्पिटेटिव रिसर्च का मतलब है, मैं ये कह सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक कॉम्पिटिटर है C1 फॉर एग्जाम्पल, है ना। सो मान के चलते हैं कि C1 ट्रैवल इंडस्ट्री में है, लेट्स से कोई एक बड़ा पोर्टल है जो ट्रैवल इंडस्ट्री में है, होटल बुकिंग कर रहा है, फ्लाइट बुकिंग कर रहा है, और मान लीजिए मेरा भी कुछ ऐसा ही पोर्टल है, मान लीजिए ई कॉमर्स बिजनेस है। सो आपका ई कॉमर्स बिजनेस हो सकता है या फिर आपका आपका एक सर्विस बेस्ड बिजनेस भी आपका हो सकता है। सो कॉम्पिटेटिव रिसर्च नंबर एक, हम किन किन चीज़ों पर कर सकते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसके पास ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रहा है। सो दैट इज ट्रैफिक इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकता है। तो एक बार जान लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकता है। अदर काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन एक बार जानते हैं, मैं वापस इस स्लाइड पर आ रहा हूँ, लेकिन आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपका कॉम्पिटिटर या फिर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप काफ़ी सारी चीज़ों का प्रयोग करने होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सो लेट्स इफ आई राइट हियर लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग लेट्स से स्ट्रैटेजीज फॉर एग्जाम्पल। सो इट्स पहला चीज आपका आप काम कर रहे होंगे या फिर आपका कॉम्पिटिटर काम कर रहा होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं SEO इज माई फर्स्ट लव, सो कमाल का है टू बिल्ड ऑर्गेनिक ट्रैफिक। आपकी वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक सर्च इंजन से आए कमाल का काम हो जाएगा। मान लीजिए हम बात करें सर्च एप्स की, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्ले एड्स। सो सर्च एड क्या हो गया, सर्च एड वो एड हो गया जो आप सर्च इंजन पे देख रहे हो, उनको हम सर्च एड्स बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको डिस्प्ले एड्स मान लेते हैं, लेट्स से ईमेल मार्केटिंग मान लेते हैं, लेट्स से तो काफी सारे तरीके हो सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एफिलिएट, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सो काफी तरीके हो सकते हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। डिजिटल में तो काफी सारे हमारे पास तरीके हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। सो आप देख सकते हैं कि एक बिजनेस ओनर जो है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए काफी सारी चीजों को मदद करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ SMS और व्हाट्सएप का भी प्रयोग कर रहा है ना। और जब मैं सोशल मीडिया का बात करता हूँ तो सोशल मीडिया में सारे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, है ना। तो आप देखिए एक बिजनेस ओनर इनमें से ही चीजों का प्रयोग करता है जब उसको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है ना। तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ये है क्या, ताकि आपको आइडिया आ जाए, ताकि आपको आने वाले सेशंस को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। और जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके गोल्स काफ़ी हो सकते हैं। हम गोल्स के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या, थोड़ा सा मैं आइडिया आपको मैं दे देता हूँ कि आप सर्च एड्स क्या है, डिस्प्ले एड्स क्या है, ई मेल मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, मैं सेशन का शुरुआत करूँ। Now let's say for example मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, मैं आपको साथ साथ आप नोट्स और पॉइंटर्स आप बिल्कुल आप बनाते रहिएगा। तो हम चलिए बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली सर्च इंजन से ट्रैफिक कैसे आ सकता है और SEO क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी को अगर SEO कोर्स करना है तो गूगल पे बिल्कुल डालता है SEO कोर्स अहमदाबाद, और जैसे SEO कोर्स अहमदाबाद डालता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ पेड एड्स नज़र आ रहे हैं, ये सर्च एड्स हैं, इनकम टैक्स एड्स बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्रांडवेदा दिखाई दे रहा है और बाकी कंपनीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सही तरीके से करने के लिए आप इसको इनकॉग्निटो मोड में भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आता हूँ इनकॉग्निटो मोड, और यहाँ मैं डालता हूँ SEO कोर्स इन अहमदाबाद, मैं डाल देता हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है, और करीब 8,36,000 रिजल्ट है, और ये ब्रांडवेदा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ऑर्गेनिक रिजल्ट इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेड एड्स नहीं है, ये एड्स नहीं है, ऑर्गेनिक रिजल्ट है, गूगल को लगता है, इसलिए गूगल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एड्स दिखाई दे रही है, टेक्स्ट एड्स है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको जो टेक्स्ट एड दिख रहे हैं, सर्च एड्स इनको कहे जाते हैं। तो हो सकता है आपका कंप्यूटर सर्च एड चला रहा हो या फिर आप भी चला रहे हो, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप SEO कर रहे हैं तो आपका एक गोल हो सकता है कि बिल्कुल कि जब लोग आपके बिजनेस को ढूंढें तो आपका वेबसाइट गूगल सर्च इंजन पे दिखाई दे, लोग गूगल पे क्लिक करें और क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आएं और फॉर्म भरें ताकि आप इंक्वायरीज जनरेट कर सकें, जिसको हम लीड्स बोलते हैं, तो हम लीड जनरेट कर सकें। तो आप देख सकते हैं, और जब कोई ये फॉर्म भरेगा तो हमको लीड आएगा, है ना। और भी देख लेते, तो मान लेते मैं क्रिकबज में आता हूँ, क्रिकबज आइडिया दे देता हूँ आपको। अगर मैं क्रिकबज में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक ऐड आपको दिखाई दे रहा है, सो इनको हम लीडर बोर्ड बोलते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर एक और ऐड दिखाई दे रहा है, विशेष एड्स बाई गूगल आपको दिखाई दे रहा है, मिड लाइफ का ऐड दिखाई दे रहा है। सो इनको हम डिस्प्ले एड्स बोलते हैं, और डिस्प्ले एड्स सो ये एड्स हैं। तो हो सकता है वो आपका कंप्यूटर ऐसे एड्स भी चला सकता है जिसको हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। कमाल का प्लेटफॉर्म है, कमाल का स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में चलते हैं। तो अब देखिए आपको यहाँ पर भी कुछ आर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, मैं बढ़ता हूँ आगे, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी आर्ट्स दिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक आर्ट दिखाई दे रहा है, पटना यहाँ पर एक आर्ट दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं आर्ट्स बाय गूगल। यहाँ पर भी कुछ बैनर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको कुछ एड्स दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो दीज आर नोन इज नेटिव एड्स, को हम नेटिव एड्स बोलते हैं। और नेटिव एड्स कमाल के काम करते हैं, और आई हैव सीन विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स, मैंने काफ़ी क्लाइंट्स का काम किया और नेटिव एड्स में हमने काफ़ी स्पेंड्स किए हैं। सो नेटिव एड्स आर इम्पॉर्टेंट, उनको नेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये भी नेटिव एड्स हैं। तो आप देखिए ये लग रहा है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पोस्ट है, उसके नीचे देखिए ये एड्स ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं जिसमें घुल मिल से गए, इसलिए इसको हम नेटिव एड्स बोलते हैं। वी कॉल दीज थ्री एड्स जो दिख रहे हैं वो नेटिव एड्स हैं। नेटिव एड्स भी हो सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एड्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी आपको एड्स दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको सोशल मीडिया पर लेके चलता हूँ, सो अगर सोशल मीडिया तो आप सब बिल्कुल जानते हैं, सोशल मीडिया पर लेके चलता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मेरे फेसबुक पेज पर, तो ये मेरा फीड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको ऐड देख सकता है। तो आप देख सकते हैं क्लिकअप का ऐड आपको दिखाई दे रहा है। तो फेसबुक में तो काफ़ी फॉर्मेट के ऐड चलते हैं। तो आप देखिए आपका हो सकता है कॉम्पिटिटर फेसबुक ऐड चला रहा हो, या फिर मैं अगर ट्विटर पर लेके चलूँ आपको, तो शायद ट्विटर ऐड चला रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर भी आपको ऐड्स दिखाई देते हैं, लेट्स सी। सो आप देखिए यहाँ पर भी आपको काफ़ी एड्स दिखाई दे सकते हैं, सो ट्विटर पे भी एड्स दिखाई देते हैं, आप देखिए, लेट्स सी। सो एड्स यहाँ पर भी दिखाई देते हैं ट्विटर के, फिलहाल मुझे यहाँ पर ऐड नहीं दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर भी फॉर्मेट ऑफ एड्स चलते हैं, या वो लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर तमाम जगह पे एक्टिविटीज कर रहा हूँ। ईमेल मार्केटिंग का बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर मैं चले जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और ईमेल्स आप सबको बिल्कुल आते होंगे, और ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए प्रमोशन टैब में भी आपको एड्स दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे ईमेल्स आप देखिए यहाँ, ये सारे ईमेल्स आ रहे हैं, कंपनीज अपने कस्टमर्स को भेज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी में बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। सो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, और हमारा गोल क्या है, ये सब करने का गोल क्या है। देखिए सवाल है हमारे गोल क्या है, सो व्हाट आर आवर गोल्स, और हम डिजिटल मार्केटिंग में प्रमोट क्यों कर रहे हैं, थोड़ा समझना। सो लेट्स से सॉरी, सो इफ आई टॉक अबाउट गोल्स, कि हमारे गोल्स क्या हैं, गोल्स काफी सारे हो सकते हैं, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स का बात कर लेता हूँ। नंबर एक हमारा गोल होगा वेबसाइट में ट्रैफिक लेकर के आना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी वेबसाइट पे सही ट्रैफिक होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी एडवर्टाइजर एड्स क्यों चलाता है, क्योंकि वेबसाइट में ट्रैफिक लाना चाहता है। नंबर टू इज, जिसको मैं लिखूं आप, लीड जेन, जिसको हम लीड जनरेशन बोलते हैं, मैं लीड लाना चाहता हूँ, लीड जनरेट करना चाहता हूँ। नंबर थ्री,
नंबर तीसरा हो सकता है कि मुझे सेल्स लाना है, राइट, सो मैं पक्का करना चाहता हूं कि लोग मेरी वेबसाइट में और खरीदें, ये मेरा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग गोल हो सकता है। नंबर फोर हो सकता है आपका, विच इज एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट का मतलब है कि मैं अपने कस्टमर्स के साथ इंगेज करना चाहता हूँ। इंगेज का मतलब हो सकता है जैसे मैं, अगर मान लीजिए मैं यूट्यूब ऐड चला रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरा कस्टमर मेरे यूट्यूब ऐड्स को देखे, राइट। मैं अगर इंस्टाग्राम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे, इंगेजमेंट, कहीं ना कहीं इंगेजमेंट करना चाहता है। फिफ्थ पार्ट, और क्या लगता है आप थोड़ा सोच सकते हैं कि क्या गोल्स हो सकते हैं? वेबसाइट में ट्रैफिक लाना है, लीड लाना है, सेल्स लाना है, इंगेजमेंट करना है, और आपको क्या लगता है क्या चीजें हो सकती हैं? सो लीड जन हो गया, सेल्स हो गया, वेबसाइट जनरेट हो गया, फाइन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हो सकते हैं। और भी गोल्स हो सकते हैं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, विच इज CRM, विच इज कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करना है, उसको नर्चर करना है, ताकि नर्चर करेंगे उसके साथ यू नो रिलेशन अच्छा बनाएंगे, सो विल गेट मोर बिजनेस, हमको और बिजनेस भी आएगा। तो लीड हो गया, सेल्स हो गया, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ छठा गोल, विच इज इम्पॉर्टेंट, जिसको बोलेंगे ब्रांड अवेयरनेस। और ब्रांड अवेयरनेस का मतलब हो गया कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे ब्रांड को जाने, क्योंकि जब कोई आपके बिजनेस के बारे में जानता है, सो इट्स लाइक अ न्यू ब्लड, है ना। सो लोग मेरे ब्रांड के बारे में जानेंगे, आई विल फाइंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो जितने से ज़्यादा लोग मेरा कंपनी के बारे में जानेंगे, उतना बिजनेस बढ़ेगा। तो आप सोचिए कि जब लोग नए लोग, और हम बिल्कुल प्रयास करते हैं कि नए लोग हमारे बिजनेस को जाने, क्योंकि लोग अगर आपके बिजनेस के बारे में जानते नहीं है तो आपको बिजनेस कैसे दे सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट, तो ये कुछ गोल्स हैं, और भी काफ़ी सारे गोल्स हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो मैंने आपको बता दिया कि गोल्स क्या हैं, मैंने आपको बता दिया डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्या क्या हो सकता है। सो SEO, विच इज बिल्डिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें SEO से भी करते हैं, जैसे हम रेपुटेशन मैनेजमेंट भी करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू, सर्च इंजिन पे एड्स को चलाना, वेबसाइट्स पे एड्स चलाना, SMS या फिर व्हाट्सएप से प्रमोट करना, ईमेल मार्केटिंग करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया है कि आप किसी और के जरिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, उसको हम एफिलिएट बोलते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे आपने अमेजोन एफिलिएट भी सुना होगा, तो काफ़ी लोग अमेजोन के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और जब सेल करते हैं दे गेट कमीशन। आप कूपन साइट्स भी जानते हैं, जहाँ पर आप कूपन दुनिया या कूपन राजा है, जहाँ पर कंपनीज अपने कूपन शक्ति है, वेबसाइट से बहुत सारा ट्रैफिक है, और वहाँ से भी लोग आते हैं और आपके प्रोडक्ट को लेते हैं। सो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब हो गया कि हम किसी और का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। और ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, देखिए इंस्टाग्राम में तो कमाल का काम कर रहा है, जहाँ पर हम चाहते हैं कि जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो लोगों से इंगेज करता है, हम चाहते हैं वो आपके बिजनेस के बारे में बात करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच सकें, बराबर है। सो अभी मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि कॉम्पिटिटिव रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि आप ये पता कर पाएँ कि आपका कॉम्पिटिटर, ध्यान रखिएगा, आपका कॉम्पिटिटर कहाँ कहाँ से ट्रैफिक ला रहा है, वो कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से वो ट्रैफिक ला रहा है। सो मैं लिखता हूँ ट्रैफिक सोर्सेज, विच इज इम्पोर्टेंट। नंबर टू, कॉम्पिटिटिव रिसर्च, देखिए हम काफ़ी सारी चीज़ों पे रिसर्च कर सकते हैं, जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ट्रैफिक सोर्सेज पे, या फिर मैं कॉम्पिटिटिव रिसर्च करना चाहता हूँ कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के ऐड, मैं देखना चाहता हूँ मेरा कॉम्पिटिटर कौन कौन से फेसबुक ऐड चला रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर वो ऐड चला रहा है तो आप उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो ऐड कॉपी में क्या लिख रहा है, वो ऐड किस तरीके से बना रहा है, वो कौन से फॉर्मेट का ऐड चला रहा है। तो अगर आप फेसबुक चला रहे होंगे तो फेसबुक में काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं, कैरोसेल है, वीडियो है, काफ़ी सारे फॉर्मेट ऑफ ऐड्स हैं। सो नंबर तीन, अब बिल्कुल जानना चाहते होंगे कि आपका कॉम्पिटिटर आपके क्लाइंट्स को या फिर प्रोस्पेक्ट्स को या फिर कस्टमर्स को ईमेल्स क्या भेजता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी काम आसान कर सकता है, है ना। सो रिसर्च नंबर चार, अगर मैं जानने की कोशिश करें कि आपका कॉम्पिटिटर कौन कौन सी वेबसाइट्स पर दिखा रहा है, डिस्प्ले एड्स, सो मैं बात करता हूँ डिस्प्ले एड्स का, कौन से डिस्प्ले एड्स चला रहा है, जैसा मैंने आपको दिखाया, कौन सी वेबसाइट्स पर चला रहा है, वो कौन से क्रिएटिव्स बनाता है, वो यूट्यूब में कौन से वीडियोस प्रमोट कर रहा है, यूट्यूब में कैसे रीच कर रहा है। सो वी गोना फाइंड ऑल दोस थिंग्स, सो हम ये सब चीज़ें बिल्कुल पता लगा सकते हैं। सो
यूट्यूब एड्स। तो मैं सिर्फ आपको आइडिया दिया कि हम क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर मैं लिखूं कौन से एड नेटवर्क के साथ काम कर रहा है। सो काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं। और सवाल है कि ये करके आपको फायदा क्या था? मैं तो बता रहा हूं कि काफी सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कि रिसर्च करके बड़ा फायदा क्या, हम क्या चीज अचीव करना चाहते हैं। सो नंबर वन थिंग व्हाट वी वांट टू अचीव इज, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम ये कर क्यों रहे हैं सारी एक्टिविटी। नंबर वन अचीव, जैसे मैं आपको माइंडसेट के बारे में बोला, सो व्हाट इज अवर गोल ऑफ दिस, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। हम जो कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर रहे हैं उससे हमारा फायदा क्या होने वाला है? नंबर वन हमारा सबसे बड़ा फायदा होने वाला है दैट विल गेट टू नो देयर स्ट्रैटेजीज, की स्ट्रैटेजीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो बेहतर कर रहा है तो हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि वो क्या क्या किस स्ट्रैटेजी का प्रयोग कर रहा है। नंबर टू, ये समझने के साथ साथ कहीं ना कहीं आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज, राइट। सो नंबर टू इज यू गेट लॉट ऑफ आइडियाज, आपको काफी आइडिया समझ में आएगा कि अच्छा कॉम्पिटिटर ऐसा कर रहा है, शायद कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो आप पहली बार देख रहे हैं मान लीजिए, और आपका कॉम्पिटिटर आप कर रहा है, देन यू गेट टू नो, आपको लगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, कमाल का हो जाएगा। नंबर तीन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सो आइडियाज हो गए, आपको की स्ट्रैटेजीज आपको समझ में आएगी आपको, एंड नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल गेट बेटर, आप बेटर फील करेंगे, और बेटर फील करने से मतलब क्या, यू विल गेट कॉन्फिडेंस। आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं या फिर आप अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, सो दिस विल मेक यू कॉन्फिडेंट बिकॉज यू विल गेट इनसाइट्स। नंबर फोर, ये कोर्स का इंपॉर्टेंट एक गोल ये भी है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं है, तो एक एक्टिविटी करना होगा और डेटा एनालिटिक्स, सो विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये करने के साथ साथ सो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, इनसाइट्स मिलेगा आपको, आइडियाज मिलेंगे, की स्ट्रैटेजीज मिलेगा, एंड नेक्स्ट जो आप अचीव करेंगे विच इज टेकिंग एक्शन। सो देखिए ये बड़ा फायदा होने वाला है, तो ओवरऑल ये आपको प्लानिंग में काफी अच्छा प्लान करने वाला, सो दिस विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्लान है ना। इसलिए आपको ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है, साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानने की कोशिश करेंगे हम अपने इन्वेस्टिगेशंस अब चालू करने वाले हैं, तो ध्यान देते हैं और आप नोट्स बनाते रहिएगा, अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप पेन डाउन कीजिएगा, एंड देन वी कैन श्योरली डिस्कस इन कमिंग सेशंस। थैंक यू सो मच।